तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं तो आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम अगले मिशन करने वाले हैं सेक्सी टाइम। मतलब कि लाइक सेक्सी टाइम नहीं, मतलब कि मिशन का नाम ही है सेक्सी टाइम, जैसे यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल दिख रहा होगा। और मेरे भाई ये मिशन इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि मेरे भाई GTA Vice City 5 में भी मुझे उतना परेशानी नहीं हुआ था जितना इस मिशन में हुआ। 2 दिन से लगातार खेल रहा हूँ भाई कि ये मिशन में पार हो जाओ। फाइनली जाके मेरा छोटा भाई ने हेल्प किया है इस मिशन को कंप्लीट करने में। तो अपने छोटे भाई को भी दिल से थैंक यू और आप लोगों को भी दिल से थैंक यू कि अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हो। एंड प्लीज़ अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो अब चलते हैं मिशन की तरफ। किसकी हॉर्न बज रही है भाई? ओहो, इसमें आपको कोई भी कट सीन नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मेरे भाई इसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका भाई गाड़ी चलाने में भी मास्टर हो गया। हालांकि पहले नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखाता था, बट अब हो गया हूँ थोड़ा थोड़ा, मुझे लगा था तो फिर भी ठोक दिया। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओहो, एंड प्लीज़ यार, 90% लोग सिर्फ देख करके चले जाते हैं यार। मतलब कि सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते मेरे भाई, आप सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो भाई। इसको तो जानबूझ के ठोक दिया। आप देखो बीच में से निकलेगा क्या गाड़ी, फिर भी ठोकना ही पड़ता है भाई। देखो मैं इसलिए गाड़ी चलाने का ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आई थिंक ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गाड़ी चलाने या फिर सिर्फ गाड़ी देखने के लिए आते हैं, ड्राइव देखने के लिए आते हैं, जो कि उनको मिशन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो मिशन वही खेलते हैं जिसको गेम से प्यार हो, ना ही कि वीडियो से। तो बहुत से बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं, तो भाई उसके लिए दिल से थैंक यू मेरे भाई। आप भी अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फाइनली यहाँ से कोई भी जहाज़, मैं आपको मतलब कि इसमें आप देखो अभी तक मैंने वीडियो, मतलब कि मेरे से भी पास नहीं हो रहा था, तो बहुत से वीडियोस मैंने देखे थे आपकोस ये आपको पता है, बट मेरे भाई उसमें A to Z जो वीडियो थी उसमें वॉइस नोट नहीं था। मतलब कि लाइक वॉइस ओवर करके भी समझाया नहीं गया था कि ये मिशन ऐसे होगा, ठीक है। बट आपका भाई पूरा क्लियर बताएगा कि कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखो सामने जो याज दिख रही है, हालांकि इसको हम लोग नहुआ बोल सकते हैं बिहारी भाषा में, बट भाई ये बड़ा है तो सिप भी बोल सकते हैं, बट नहुआ बोलेंगे। तो ये जो छोटा वाला जो ब्लैक जहाज़ है यहाँ पे देख लो, अरे भाई अस्थिर हो जा। ये जो ब्लैक जहाज़ है इसको सबसे पहले मारना है, ठीक है। इसके 2 बंदे हैं, इसको दोनों को मारना है। एक को तो मार दिया, चलो दूसरा को मार दिया। आप क्या करना है देखो, अब मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा क्योंकि थोड़ा सा शांत। आप क्या करना है, अभी यहाँ पे इस नाव पे जाके आपको चढ़ना है, ठीक है। आपको सब तैर के भी जा सकते हो, चढ़ के भी जा सकते हो, एंड बहुत सारा इशूज़ आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरा नौवा धीरे धीरे जा रहा है इस नौवा पर, फाइनली सिंघम के स्टाइल। चलो हम लोग चूज़ करते हैं अपना वेपन और चलते हैं तबाही मचाने। चलो ये तो डेथ हो गया। अबे गोली नहीं लग रही भाई, चलो और ऊपर चलते हैं भाई, क्या ही मरेंगे। ये गन में पावर बहुत है भाई, 1 हेडशॉट में पेटी बन जाती है बंदे को, देख रहे हो देख भाई साहब क्या ही गन है, M460 यार। आप बोलोगे नाम कहाँ से बताया, तो भाई हम लोग GTA भी खेलते हैं। चलो ठीक है, फाइनली यहाँ पे सारे विलन को हमने मार दिया है। हालांकि सारे विलन को नहीं, बट जो लेवल का फर्स्ट है वो मैंने पार कर लिया। और यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर, हालांकि इसका नाम हेली चॉपर होता है, बट हम लोग बोलेंगे हेलीकॉप्टर क्योंकि हम लोग यही जानते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे मेरा भाई कैसे मदद किया है वो मैं आपको वो भी बताऊँगा, हालाँकि इसको फोड़ना कैसे वो भी बताऊँगा।
सबसे पहले अपना जहाज का व्यू बदल ले, भी से आप भी से आराम से बदल सकते हो, भी से जहाज को पास लिया है एंड उसके बाद कॉल आएगा यूसुफ, जिस जो भी हो बंदा, देखो अब आपको ऑर्डर मिलेगा उस जहाज को फोड़ने का। तो उस जहाज को फोड़ने का सबसे सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ऐसे एम नहीं लगेगा भाई, ऐसे एम नहीं लगेगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इसके लिए एक सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। देखो नीचे आपको हेलीकॉप्टर को डाउन करना है, यहाँ पे देखो डाउन करना है और पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना है, भी दबा के इसका व्यू एंगल बदलना है जहाज का। देखो ये वाला ला करके आपको फायर करते रहना है, देखो, क्योंकि ये जहाँ एम रहेगा वहीं पे जाके लगेगा, ये आपको पता है। तो व्यू बदल लेना, एम अच्छी हो जाएगी। मैं हेलीकॉप्टर में फील कर रहा था और मेरा भाई फायर कर रहा था, ठीक है। अरे पुर्जा भाई, चलो देखो ऐसा लग रहा है कि फूटने वाला है, फाइनली फूट चुका है। यहाँ पे मेरा भाई कैसे हेल्प किया वो मैं आपको बता दूँ। हेलीकॉप्टर इसमें कंट्रोल बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल मैंने किया, माउस अपने भाई को थमा दिया, ठीक है। अब माउस का तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक बंदे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो ईजी है, मुझसे नहीं हो रहा था इसलिए अपने भाई को सपोर्ट लिया। और यहाँ पे जो लेफ्ट शिफ्ट है, यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट शिफ्ट का फायर है, गोली का फायर है। अब देखो यहाँ से हेलीकॉप्टर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, फायर बटन जो मेरा भाई है वो कर रहा है शिफ्ट दबन बटन दबा कर। देखो ये फायरिंग मेरा भाई कर रहा है, ठीक है, पर्सनली। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो ये जहाज है इसको नीचे ले जाना है, नीचे ले जाना है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं एक को फोड़ने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैं एक को फोड़ूंगा, देखो। हालांकि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, बट हो जाएगा। और मेरे भाई देखो, मुझे कितना दिक्कत आई थी, देखो फाइनली एक को फोड़ दिया। देखो लाइक डूबने ही वाला था, अभी पानी में डूबने ही वाला था, ठीक है। आराम से खेलना है, कोई इशू नहीं। ये मिशन बहुत हार्ड है भाई, सच में बोल रहा हूँ। अगर आपसे एक बार दो बार में नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है मेरे भाई, 10 बार में भी हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से खेल रहा हूँ इस मिशन को। देखो यहाँ पे एम लगाएंगे और फिर से देखो, देखो डर इस बात का नहीं है कि एम नहीं लग रहा है, डर इस बात का कि पानी में डूबेगा तो मिशन स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। देखो अब मैं अपना शिप को घुमाऊंगा और यहाँ पे देखो, देखो दूसरा गया, एकदम आराम से खेलना है भाई, पानी से दूर रखना है अपने हेलीकॉप्टर को, पानी से दूर रखना है। अब एक बंदा बच गया है, एक जहाज, तो उसे हम लोग मारने वाले हैं, ईजी आराम से मारेंगे। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे मारेंगे, ठीक है। तो कितना करने के बाद मैं नहीं चाहता कि भाई ये मेरा फिर से स्टार्ट हो जाए। तो अपने भाई को बोला कि भाई थोड़ा सांस ले ले, अब इसको पूरा नज़दीक ले जाकर मारेंगे, एकदम पूरा का पूरा नज़दीक। देखना ऐसा नहीं होना, पूरा का पूरा नज़दीक ले जाकर मारेंगे, देखो। और फिर से आगे जलाया, ये बहुत, देखो देखो भाई पानी के एकदम जस्ट लिया पास पहुंचाता हूँ मैं, एकदम जस्ट लिया था। तो मेरा बस ये काम था कि किसी भी हाल में पानी से ऊपर रखना जहाज को, ठीक है। और मेरा भाई को था फायर करना, बस फायर करना, ठीक है। एम लगाना, उम लगाना सब मेरा ही काम था। और यहाँ पे देखो अब ये फूट जाएगा, शायद से लगता है कि फूट जाएगा बट फिर से डील हो गया। फूट जा भाई, देखो पानी को मैं कितना नहीं आया, देखो यहाँ पे अब शायद फूट जाएगा, शायद फूट जाओ, फूट जाओ। अरे यार भाई सही बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से एम लगाना बहुत ही मुश्किल है, बट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाए फाइनली भाई। इसके लिए अपने भाई को सैल्यूट, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपको भी सैल्यूट। चलो ठीक है, अब हमें यूसुफ का फिर से रिटर्न कॉल आ रहा है। चलो हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचेंगे। एंड प्लीज़ अभी तक अगर आप मिशन में बने हो तो यार एक सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि 90% लोग देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि पिछले वीडियो कुछ वीडियो एक दो दिन पहले वाली वीडियो में 100 व्यूज़ गया बट भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होते। यार प्लीज़ दिल से सब्सक्राइब करते मेरे भाई, बुरा लगता है।
चलो हेलीपैड वहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो लैंडिंग करने में भी मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरे भाई ये पूरा का पूरा बच्चा टाइप है, मतलब कि इसका हर एक चीज़ कंट्रोल वंट्रोल, क्योंकि देखो ऑफकोर्स मैंने पहले GTA Vice City 5 खेला है, तो पूरा का पूरा फ्रीडम का हमको आदत पड़ चुका था, क्योंकि GTA Vice City 5 में बहुत ईजी है हर चीज़ कंट्रोल करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा कि लैंड कर जाऊँ धीरे धीरे, अगर लैंड हो जाता हूँ तो भाई एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, हो जाना तो चाहिए भाई। देखो मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा मिशन डेड हो, क्योंकि मेरे भाई अगर डेड हुआ तो यार फिर से खेलना पड़ेगा, जो कि मेरे भाई ये मिशन में दोबारा नहीं खेलना चाहता। देखो लैंड हो गई, बट उछल के इधर, ओहो आठ को टैप करते हैं, थोड़ा सा आगे करेंगे, बस बस होल्ड ऑन भाई, बस फाइनली हमारा काम खत्म। मेरे भाई सच बता रहा हूँ, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद इतना ज़्यादा शांति मिला था, 3 दिन से मैं रेगुलर खेल रहा था अकेले, और 3 दिन से हेली चॉपर को मार देता था, बट भाई वो जो 3 चुटपुटिया जहाज है ना, वो दिमाग ख़राब कर देता है मेरे भाई, क्योंकि उस पर एम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। देखो ये मिशन हमारा हो चुका है कंप्लीट, अगर आपको हमारे मिशन में या फिर अपने चैनल पे किसी भी तरह का वीडियो देखना हो GTA Vice City 5 को लेकर के, या फिर द लॉस एंड डायमंड जो कि GTA 4 का ही पार्ट है फर्स्ट, अगर आप वो खेल रहे हो तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मेरा हर एक चीज़ दिख जाएगा, पूरा A to Z एक से लेकर के लास्ट तक गेम का मिशन मिल जाएगा। आप कोई भी मिशन खेलो, बिंदास इंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।